जोशी बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, जोशी बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। नमस्कार, ये उन बच्चों के माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे या तो आज नर्सरी में पढ़ रहे हैं या तो फिर अभी प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। आज हर एक इंसान अपने कंधों पे बहुत सारी तकलीफ़ों का बोझ उठाकर जी रहा है। उसमें से एक तकलीफ है अपने संतान की एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षण। बच्चा भी मेहनत कर रहा है, स्कूल जा रहा है, आप भी अपने से हो सके उतनी जहमत उठा रहे हो, लेकिन फिर भी जब रिपोर्ट आता है तब आप परेशान हो जाते हो। लेकिन रिपोर्ट देख के आप उनके साइंस के मार्क्स देख के खुश हो जाते हो, लेकिन जनरली मैथ्स के मार्क्स देख कर आप परेशान हो जाते हो। आप बच्चे का ट्यूशन लगवाते हो फिर भी रिपोर्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर पर चिल्लाते हो। आपको लगता है आज ये हाल है तो आगे जाके ऊपर की क्लास में या टेंथ में बच्चा क्या करेगा। आपकी चिंता भी जायज़ है। आप बहुत सारे उपायों के बारे में सोचते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचने की तकलीफ नहीं ली कि आखिर ये हुआ कैसे। कृपया ध्यान देके मेरी बात सुनिए। हो सके आप इसको मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन मैं आज आपसे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप या तो मुझ मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर आप प्राइमरी स्टेज पे है तो आप अपने आप में उसको संभालने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये तकलीफ शुरू होती है नर्सरी के टाइम से या छोटी कक्षा के टाइम से। बच्चा पढ़ता है, आप उसके ओपन हाउस में जाते हो, टीचर्स उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको करते हैं। अगर बच्चा एकदम शांति से बैठा रहेगा, निष्क्रिय हो गए, तो भी टीचर्स कहेंगे बहुत शांत है, बैठा रहता है, सीखता रहता है। अगर बच्चा मस्ती करेगा तो टीचर्स कहेंगे बहुत एनर्जेटिक है, थोड़ा सा उसको खाली चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर रिस्पॉन्स यही होता है कि थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ए प्लस ग्रेड देख के बहुत सारे माँ बाप खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या उनका बच्चा क्लास में ध्यान से पढ़ता है। ध्यान देना, क्या मेरे बच्चे को ध्यान देना आता है? क्या मेरा बच्चा सुनकर समझ सकता है? क्या मेरा बच्चा खुद कोई प्रश्न सॉल्व कर पाता है? क्या मेरे बच्चे को ज़्यादातर प्रश्न समझाने की ज़रूरत पड़ती है? हर एक पेरेंट्स की यही कंप्लेंट होती है कि बच्चा घर पे सब करता है, एग्जाम में नहीं कर पाता है। आप कहेंगे तो फिर उसका रिपोर्ट जो अच्छा आता है वो, लेकिन क्या आपने ये पता लगाया कि वो कॉपी करके नहीं लिखता है, या ज़्यादातर क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आते हैं वो जय माता जी करके नहीं लिखता है, जिसके वो सारे आंसर्स सही आ गए हो। प्रॉब्लम ये है कि आप साइंस, इंग्लिश और दूसरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट को लेकर खुश हो रहे होते हो, लेकिन बच्चा मैथ्स नहीं कर पा रहा है तो आपको लगता है कि उसका मैथ्स वीक हो गया। मैथ्स कोई कपड़ा नहीं है कि आज धोया और उसका कलर उड़ गया, वो पहले स्टैंडर्ड से चला आ रहा है। साइंस और इंग्लिश जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट में बच्चा रट्टा मारकर या कुछ भी लिखकर हाफ हाफ मार्क लाएगा तो भी उसको थोड़े से मार्क मिल ही जाएंगे, पर मैथ्स में सिर्फ एक नंबर इधर का उधर होने से पूरा क्वेश्चन नया हो जाता है, जिसे सॉल्व करने के लिए बच्चे को दिमाग लगाना पड़ता है, उसको क्वेश्चन समझना पड़ता है जो उसको समझ में नहीं आता है, और आपको लगता है कि बच्चे का मैथ्स वीक हो गया है, उसकी पढ़ाई बिगड़ती जा रही है, बच्चा कमज़ोर हो रहा है। कृपया आप अपने बच्चे के मार्क्स के पीछे ना जाए, उसकी मानसिकता को पकड़े। कृपया आप अपने बेटी के परफॉर्मेंस के पीछे ना जाए, उसकी प्रैक्टिस को पकड़े। और कृपया आप टीचर से सारी उम्मीदें ना रखें, कुछ अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाए। एक घर पे भी बच्चे को स्कूल से बेहतर शिक्षण मिल सकता है, स्कूल से बेहतर एजुकेशन मिल सकता है, लेकिन वो बात आज मैं नहीं करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।